भाई तुम फिटनेस ट्रेनर हो? हाँ भाई। भाई यार एक काम था तुमसे। बोलो भाई। भाई मेरा मोटा हो रहा है। बड़ा ही मोटा। अबे मोटा हो रहा है? अब भाई तुम गलत ले रहे हो भाई, पेट यार। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। अच्छा पेट है? हाँ भाई। तो क्या करना है, कम करना है? भाई से स्लिम करना है। अबे कोई दिक्कत नहीं यार, घटा देंगे इसको। बाहर से लटक रहा है। ऐसे पेट बहुत कम है और बहुत ज़्यादा भी है, इससे ज़्यादा ज़्यादा भी है। सो मैं वीडियो में बताऊँगा आपको, अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारा भी कम कर दूंगा। अबे पेट यार। तो मैं तुम्हारे का कम कर दूंगा पेट। सो आपको कुछ डाइट है, कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ टिप्स हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, वहाँ पे मैं बताऊँगा सारी 5 से 6 पॉइंट्स हैं। छठा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो। सो गाइस सबसे पहला पॉइंट है कि क्रिएट अ कैलोरी डेफिसिट डाइट। हमें ऐसी डाइट बनानी जो कि हमारी कैलोरीज को कम करे। हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली 3 टाइप की कैलोरीज होती हैं जो कि हमारे को खाने में देखने को मिलती है। सबसे पहला है हमारा प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा है हमारा फैट। ये तीनों कैलोरीज का हमें ध्यान रखना है और ऊपर से हमें जितनी कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें अपनी कैलोरीज को बर्न करना है। जैसे कि रनिंग, कार्डियो, साइकिलिंग वगैरह से हम अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे अपने जो हम डाइट में कैलोरी लेते हैं वो वाली कैलोरीज भी हमें ध्यान में रखनी है, जिसके अंदर हमें प्रोटीन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, वो हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सो बात कर लेते हैं कि हमारे को अपनी कैसे अपनी कैलोरीज को करना है, दिन की कितनी कैलोरीज हम ले सकते हैं। सो बेसिकली वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट आप इस वीडियो के अंदर हम एक मॉडरेट लेवल बता देता हूँ कि 300 से 500 कैलोरीज हम दिन की ले सकते हैं, जिसके अंदर हमारे को प्रोटीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीनों चीज़ हमें देखने को मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। पॉइंट है कि हमें प्रोटीन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे को अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना, जो कि हमने पहले पॉइंट के अंदर डिस्कस कर लिया। सो इसके अंदर अगर आप अपने प्रोटीन को लेते हो तो आपका फुलर रहेगा, मतलब पेट प्रॉपर तरीके से लॉन्गर रहेगा, और जिसके अंदर हमारी जो कैलोरीज है वो कम होगी। मैं और खोल के समझाता हूँ इसको, मतलब कि खोल के कुछ और नहीं है यार, मतलब इस पॉइंट को खोल के समझाता हूँ। 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग की वजह। जैसे कि हम कुछ अगर प्रोटीन डाइट में लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन वाली हमने कुछ चीज़ ले ली, फॉर एग्जांपल सोयाबीन ले ली, उसके बाद अगर हमने सोयाबीन ले ली तो उसके बाद हम कुछ और चीज़ नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा पेट उसके बाद भर जाएगा। किससे भरेगा? प्रोटीन से भरेगा। इससे हमारी क्या चीज़ होगी कि हमारा कुछ और क्रेविंग्स हो रही दिमाग में, जैसे कि मैं पास्ता खा लूँ, पिज़्ज़ा खा लूँ, मैगी खा लूँ, एक्स वाई जी कुछ भी खा लूँ। बट अगर हमने हमारी हाई प्रोटीन वाली डाइट ले ली तो उसके बाद हमारा पेट प्रॉपर तरीके से भर जाएगा और उसके बाद हमारे कैलोरीज भी कम रहेगी, जिसके अंदर हमारी प्रोटीन इंटेक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और कितना प्रोटीन आप दिन का ले सकते हो? 0.8 से 1 ग्राम पर बॉडी वेट आप इतना प्रोटीन दिन का ले सकते हो, जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंगली। सो अब बात करेंगे अपने थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकॉर्पोरेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से गाइस हमारा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है और हमारी कैलोरीज भी बर्न होती है, जिससे कि क्या होता है कि हमारे जो अगर हम रेस्ट भी कर रहे हो तब भी हमारी कैलोरीज कट में होती है, मतलब कैलोरीज हमारे डाउन चली जाती है। सो हमारे इससे क्या होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमारा काफ़ी सारे मसल्स टारगेट होते हैं, जैसे कि हमारा स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया, पुलअप्स हो गया, चिनअप्स हो गया, इससे हमारे काफ़ी सारे मसल्स टारगेट रहते हैं और हमारी जो मसल होती है वो भी लॉस नहीं होती अगर हम फैट लॉस की जर्नी में रहते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ में करते हैं। और मेटाबॉलिज्म तो फास्ट होती है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हमारे को फैट लॉस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था, क्योंकि हमारी वस्कुलैरिटी जैसे कि वेंस वगैरह हो गए और मस्कुलैरिटी, दोनों चीज़ देखने के लिए हमारे को मेटाबॉलिज्म फास्ट रखना चाहिए। सो बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और गाइज इसके अंदर पॉइंट ये है कि हमारे को रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम कर देना। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि क्या होता है, जैसे कि वाइट ब्रेड हो गई, पास्ता हो गई, पिज़्ज़ा हो गए, इन सारी चीज़ों के अंदर हमें देखने को मिलता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो इसको हमें नहीं लेना, क्योंकि इससे हमारा बेली फैट तो क्या होगा, हमारा और फैट चढ़ जाएगा, कट होने की जगह हमारा उल्टा हो जाएगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसको आपको रिप्लेस करना है। सो आपको अपना रिफाइंड कार्ब से किस चीज़ पे रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि आपका होल व्हीट ब्रेड हो गई, आटे की प्रॉपर तरीके से ब्रेड आती है वो आप ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड मार्केट में आपको देखने को मिलती है वो आप ले सकते हो, पीनट बटर का आप यूज़ कर सकते हो, और लीन प्रोटीन वाली कुछ डाइट्स होती हैं वो आप ले सकते हो। और अगर आपको डाइट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हो तो ऊपर आई बटन पे आपको डाइट की वीडियो देखने को मिल रही होगी, स्टूडेंट से लेकर सारी डाइट आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के, लास्ट के 2 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो गाइज नेक्स्ट हमारा पॉइंट होने वाला है कि मैनेज स्ट्रेस लेवल। आपका स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए। हम जब स्ट्रेस करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं। तो सिगरेट आपको नहीं पीनी, जैसे कि हमारा कैमरामैन जो है वो भी सिगरेट अभी फूंक के आ रहा है।
सो सिगरेट मैंने मना किया नहीं पीनी चाहिए। सो आपको अपना जो आपका जैसे कि आपको लगता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ सिगरेट पी के मैं अपना स्ट्रेस को रिलीज कर सकता हूँ, सो ये गलत फहमी है। सिगरेट से काफ़ी ज़्यादा आपको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर आप जिम के अंदर वेट मार रहे हो, रेपिटेशन आप मार रहे हो। और फैट लॉस के टाइम पे क्या होता है कि जैसे कि आपने रेपिटेशन मार लिए उसके अंदर आपको 20 से 25 रेपिटेशन मतलब ज़्यादा रेपिटेशन कम लाइट वेट के मारने होते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपसे ज़्यादा रेपिटेशन नहीं लगेंगे क्योंकि आपके अंदर एनर्जी लेवल्स और आपका जो हार्ट रेट है वो धीरे धीरे पंप करेगा। सो इसका आपको ध्यान रख लेना है। और आपको स्ट्रेस कैसे रिलीज़ करना है, जैसे कि आपकी योगा हो गई मेडिटेशन हो गई, यहाँ से आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हो और आप प्रॉपर तरीके से स्लीप ले सकते हो। जैसे कि हमने पॉइंट के अंदर स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम स्लीप को प्रॉपर लेनी, कितनी स्लीप लेनी है, 7 से 8 घंटे की हमें स्लीप लेनी है, स्ट्रेस को ध्यान में रखना है और सिगरेट वगैरह अल्कोहल वगैरह से हमें रिलैक्स नहीं होना है, मतलब स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं करना है। सो ये थी हमारी वीडियो, 2 पॉइंट्स मैंने इसी पॉइंट्स में डिस्कस कर दिए। सो दिस इज़ द वीडियो रिगार्डिंग फैट लॉस। अगर आपको फैट लॉस से रिगार्डिंग डाइट चार्ट और अगर आपको वर्कआउट सेशंस चाहिए तो हमने प्रॉपर तरीके से ऊपर आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगी फैट लॉस की सीरीज़। हम प्रॉपर निकालने वाले हैं बैक टू बैक 15 वीडियोज़, बैक टू बैक तो नहीं आगे पीछे हो सकती है, बट टोटल 15 वीडियोज़ हम फैट लॉस से रिलेटेड लेके आने वाले हैं, डाइट से रिलेटेड भी लेके आने वाले हैं, प्रोटीन शेक भी लेके आने वाले हैं, काफ़ी धमाकेदार वीडियोज़ आने वाली हैं। सो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और ऐसी वीडियोज़ के लिए अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज, और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हार्ड वर्क ब्रो। ये ऐप्स ना छोटे ऐसे नहीं बनते, बहुत ऐप ना छोड़ने पड़ते। हार्ड वर्क ब्रो।